केडी शिवम दोस्तों, आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहता हूँ। सुनके आपको ताजुब होता होगा, लेकिन सही है, मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। हाँ दोस्तों, हमारे बारडोली के मिसेस कामिनी पटेल, वाइफ ऑफ मिस्टर भरत पटेल, जो एक सोशल वर्कर हैं, हाँ दोस्तों, उन्होंने इस कोविड काल में कई पेशेंट्स को हेल्प किया, उन्होंने काफ़ी समाज सेवा किया है उन्होंने, और उनकी वाइफ मिसेस कामिनी पटेल को अचानक बीपी, हाई बीपी के वजह से ब्रेन हेमरेज हो गया, और एक सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रेन डेड डिक्लेयर किया। ब्रेन डेड डिक्लेयर करते ही मिस्टर भरत और उनके दो बेटों ने एक एनजीओ के थ्रू डिसाइड किया, एक बोल्ड डिसीजन लिया कि क्यों ना हम मिसेस कामिनी पटेल के ऑर्गन्स कुछ नीडी पीपल को डोनेट करें। हाँ दोस्तों, उन्होंने 7 ऑर्गन्स डोनेट करने का डिसाइड किया। डोनेट करना भी एक बोल्ड डिसीजन है, तो इसके लिए एक टीम वर्क की ज़रूरत थी, और इसे बहुत ही सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन किया गया। इसमें एनजीओ, डॉक्टर्स, टीम ऑफ डॉक्टर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, सारे लोगों ने मिलकर इस ट्रांसप्लांटेशन को सक्सेस बनाया। दोस्तों, ये डोनेशन, ये जो ट्रांसप्लांटेशन था, कोई ऐसा नहीं कि बारडोली से सूरत, नहीं, एक अहमदाबाद में 2 किडनीज, हैदराबाद में लंग्स, फिर मुंबई में हार्ट, इस तरह अलग अलग शहरों में भेजना था, और वो इजी काम नहीं था। दैट वॉज अ वेरी टफ जॉब एंड दैट होल टीम डिड इट सक्सेसफुली। सैल्यूट टू ईच एंड एवरी मेम्बर ऑफ द टीम। दोस्तों, आज मिसिस कामिनी पटेल उन 7 लोगों में आज भी जिंदा है। उन्हें नया जीवन देके, उन्हें एक मुस्कुराहट देके, आज भी वो अमर बन गई है। सैल्यूट टू हर फैमिली मेम्बर्स। दोस्तों, मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने ऑर्गन्स डोनेट करूँगा। क्या आपने किया है? यस फ्रेंड्स, लेट्स कम फॉरवर्ड फॉर दिस नोबल कॉज। लेट्स डू इट टुगेदर। जय हिंद।